सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। What's up guys, welcome my YouTube channel। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस एरर के बारे में। विंडोज 10 के स्टोर में चेक यूर कनेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नीड्स टू बी ऑनलाइन, जो एरर कोड है 0x8002EFD। तो इस एरर को कैसे रिमूव करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको सबसे पहले सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर सर्विसेज को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टअप टाइप जो दिख रहा है ऑटोमेटिक डिले है तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है COM प्लस इवेंट सिस्टम, इसकी भी आपको प्रॉपर्टी में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर ये जो है मैनुअल है तो हम इसको यहाँ पर ऑटोमेटिक कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फिर हम जाते हैं यहाँ पर विंडोज़ अपडेट में। ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विंडोज़ अपडेट, इसकी भी हमारे को प्रॉपर्टी में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये स्टार्टअप टाइप जो है मैनुअल है तो आप इसको यहाँ पर मैनुअल भी रख सकते हैं या फिर डिसेबल्ड भी रख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर मैनुअली रहने देता हूँ। उसके बाद ओके के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों मैं इस विंडोज़ को क्लोज कर लेता हूँ। फिर हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल ओपन करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन देखने को मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसके ऊपर आप क्लिक करके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इथरनेट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के ऊपर क्लिक करके इसकी भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर इस बॉक्स में टाइप करना है 8.8.8.8 और नीचे आपको टाइप करना है 8.8.4.4। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करें। फिर इस विंडोज को जो क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से इसकी सेटिंग बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक बार कनेक्शन के ऊपर क्लिक करके फिर लैन सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर लीजिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट सेटिंग में आपके बॉक्स में ये चेक है या नहीं ऑलरेडी। अगर आपके पास ये चेक नहीं है तो आप इसको चेक कर लीजिए। इस बॉक्स में चेक करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद फिर से ओके के ऊपर क्लिक करके इस विंडोज़ को क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने PC में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।